Again, a very warm welcome to all of you in this YouTube channel, National Cobra Cadets. This is Cadet Hemant in front of you. Now we are going to study about the conduct of NCC certificate examination. NCC certificate examination के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. NCC certificate examination में क्या क्या होता है, कैसे NCC सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कितने टाइप का होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है सर्टिफिकेट का, और इससे रिलेटेड अन्य चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ NCC सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. NCC सर्टिफिकेट एग्जाम जो है यह तीन प्रकार का होता है, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी एंड सर्टिफिकेट सी. यह तीनों अलग अलग वेटेज अपना रखते हैं. चलते हैं, जानते हैं जो टाइप है सर्टिफिकेट ए, बी और सी, इन सबको कौन देता है, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है. जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, हर एक बोर्ड, हर एक संस्था अपना एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो उसका कोई हेड रहता है. इन द सेम वे इसका भी कोई हेड है. टाइप ए सर्टिफिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिट की है, बी जो है ग्रुप हेडक्वार्टर का, और सी आपका स्टेट डायरेक्टोरेट है. जैसे कि उत्तर प्रदेश का है लखनऊ डायरेक्टोरेट, तो वो डायरेक्टोरेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा सर्टिफिकेट के लिए. स्टेट डायरेक्टोरेट, स्टेट डायरेक्टोरेट जैसे यूपी का कहाँ पे है, लखनऊ में, तो लखनऊ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही उसे सी सर्टिफिकेट देगा. तो हम इसके बाद चलते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये सर्टिफिकेट को देगा कौन, एग्जाम कंडक्ट कहाँ पे होगा, उसका बात नहीं कि आपको बटालियन पे जाके एग्जाम देना है या ग्रुप हेडक्वार्टर पे जाके एग्जाम देना है. यह मैं बात कर रहा हूँ सर्टिफिकेट आपको कौन देगा उस पर, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एंड आफ्टर दैट लेट अस मूव टुवर्ड्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब हम आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फॉर एग्जामिनेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए. जैसे आप किसी रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी चाहिए. आपको किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब की एलिजिबिलिटी को पूरा करना बहुत ही जरूरी है. तो इन सेम वे यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी कुछ है. अगर आप सर्टिफिकेट आपको चाहिए NCC का, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो तीनों का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ए का क्या है, बी का क्या और सी का क्या है, यहाँ पे जानते हैं. ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तीनों के लिए आपको 75% अटेंडेंस रहना जरूरी है. आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका 100 दिन क्लास आपका चला, तो आपको कम से कम 75 दिन 75 डेज आपको क्लास करना जरूरी है. अब उसके बाद चलते हैं कैंप. आप अगर ए सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक कैंप करना जरूरी है. इन सेम वे अगर बी का देने जा रहे हैं तो आपको एक कैंप उसके पहले करना जरूरी है, और सी के लिए जा रहे हैं तो एक कैंप करना जरूरी है. सपोज दैट आप जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग से हैं, तो आपको ए सर्टिफिकेट से ही आपका स्टार्ट होगा. ये तो क्लियर है. अब यहाँ पे क्या है कि आप ए को करेंगे, ए सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, तो आपको उसके पहले आपको एक कैंप अटेंड करना जरूरी है. फिर बी में आएंगे तो फिर उसके पहले एक का कैंप करेंगे. फिर सी में आएंगे तो उसके पहले आप एक कैंप करेंगे. मतलब कि सी तक आते आते आपका मिनिमम 3 कैंप रहना चाहिए. और कौन सा कैंप रहना चाहिए, ATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप. आप पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे बताया हूँ. ये ट्रेनिंग का कैटेगरी दो प्रकार की ट्रेनिंग का कैटेगरी होता है, ट्रेनिंग ए और ट्रेनिंग बी. या ट्रेनिंग ए का पार्ट है, पहला इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, दूसरा कैंप ट्रेनिंग. कैंप ट्रेनिंग के अंदर दो आता है, ATC आता है और COC आता है. तो यह ATC का पार्ट, यह ATC है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि करना बहुत ही जरूरी है. अगर आप इन सेम वे अगर आप SD सीनियर डिविजन या सीनियर में रहते हैं तो आपको सी तक दो सर्टिफिकेट रहना जरूरी है. जैसे आप जानते हैं कि आप जब सीनियर डिवीजन या सीनियर रिंग में आते हैं या आती हैं, तो सीधे आपको बी सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल रहती हैं. ए सर्टिफिकेट का वहां पे कोई जरूरत नहीं रहता है. तो आपको क्या करना है कि आप जब बी में बी का पेपर देने जा रहे हैं, तो बी के पेपर देने के पहले आपको एक कैंप करना जरूरी है. आपका एक कैंप हो गया. सी का जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको एक कैंप करना जरूरी है. मतलब आप सी तक अगर आएंगे तो आपको सिर्फ दो ही कैंप करना है. आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है. आपका मिनिमम मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, इतना रहना चाहिए. ब्रेक का मतलब क्या है कि गैप, जो आपका गैप हो. सपोज दैट मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम का डेट आ गया है जो कि है मार्च में.
मार्च में क्या हुआ कि मैं किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश क्रॉनिक डिजीज हो गया और ड्यूरिंग मैं एग्जाम में बैठ नहीं पाया और मैं एप्लीकेशन लिख दिया कि सर यह दिक्कत है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी मुझे लगाना था लगा दिया कि मुझे इतना समय चाहिए। तो आप जो समय है, जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, जो ब्रेक है, आप उसे एक लिमिट तक ही ले सकते हैं। जैसे कि ए सर्टिफिकेट के लिए आप 12 महीने, बी के लिए 12 महीने और सी के लिए 18 महीने। आई होप दैट यू विल एबल टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट द ब्रेक। बोनस मार्क, बोनस मार्क, बोनस मार्क क्या है? ए सर्टिफिकेट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बी और सी में आपको बोनस मार्क दिया जाएगा जहाँ पे कॉपी चेक होगा उनके द्वारा। तो हम उसके बाद आते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम एनसीसी सर्टिफिकेट का जब आप एग्जाम दे चुके तो अब उसके बाद आपको ग्रेड मिलता है, अल्फा अल्फा मिलता है, बीटा मिलता है, गामा मिलता है, ए बी सी, तीन ग्रेड मिलते हैं। तीन ग्रेड जब मिलते हैं तो उनका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है, आप कैसे जानेंगे कि ये तो क्लियर है 500 मार्क्स का पेपर होता है तो 500 मार्क्स में से मैं कितना मार्क्स पाऊंगा, तो मुझे किस ग्रेड के कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको ए ग्रेड कब मिलेगा, बी और सी कब मिलेगा? आपको ए ग्रेड जब 80% से आपका मार्क्स ऊपर रहेगा, 500 का 80% निकाल लीजिए आप, उससे ऊपर रहेगा तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। इन सेम वे बी ग्रेड के लिए आपको 65% से ऊपर रहना चाहिए और सी ग्रेड के लिए आपको 50% से ऊपर रहना चाहिए। अब आप 50% से जैसे ऊपर आते हैं, 65 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, 64.9 अगर आपका मार्क्स आया है। जैसे ही आप 50 से ऊपर जाते हैं तो आपका सपोज दैट 64.9% है तो आपका अभी तक सी कैटेगरी में है। जैसे 65% होता है वैसे ही आप बी कैटेगरी में चले जाएंगे और इन अ सेम वे 79, जैसे आप 65 से ऊपर जाते हैं 79.9% पे तब भी आप बी कैटेगरी में रहते हैं, जैसे ही 80 में चले जाते हैं तो आपका ए कैटेगरी हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब उसके बाद हम चलते हैं या फेल, ये जो फेल का कैटेगरी क्या है, मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, कारण क्या है उस पर भी बात होगा और उसको हम कैसे रिसॉल्व कर सकें उसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि यह ऐसा आसान चीज नहीं है। तो यहाँ पे जो लेस देन 45% इन एनी पार्ट, जैसे कि एनसीसी का जो एग्जाम होता है उसका अलग अलग सेक्शन रहता है, पार्ट रहता है, एक पेपर आपका होगा तो उसके अंदर कई कई अलग अलग पार्ट रहते हैं, मिसलेनियस होता है तो उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, वेपन ट्रेनिंग हो गया, ड्रिल हो गया, मैप रीडिंग हो गया, ये सब पार्ट हैं। इन सब पार्ट को क्लियर करना बहुत ही जरूरी, उन सबको क्लियर करने के लिए आपको 45% लाना जरूरी है। अब उसमें तो आप 45% ला दिए लेकिन तो ओवरऑल में यहाँ पे देखिए लेस देन 50 आफ्टर एग्रीगेट, सब मिला जुला के जोड़ने के बाद आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, 500 में से 250 मार्क्स आपका पूरा मिला जुला करके आना चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। अगर आपका सपोज 300 मार्क्स आ गया, 400 मार्क्स आ गया, 450, 480, 900 मार्क्स आ गया, अगर आप किसी पार्ट में फेल हैं तो उस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होगा तो भी आप फेल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है कि यही चीज जो यहाँ पे है, यही क्राइटेरिया, इसका बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मुझे कोट याद आता है, उस कोट को मैं बोलना चाहता हूँ, वी डोंट ग्रो व्हेन समथिंग इज इजी, वी डोंट ग्रो व्हेन समथिंग इज इजी, वी ग्रो व्हेन समथिंग इज चैलेंजिंग। चैलेंजिंग रहने दीजिए, हम तो आगे बढ़ेंगे ही, आगे तो बढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको इस चैनल की तरफ बी ट्यून भी रहना पड़ेगा। जब आप चैनल की तरफ बी ट्यून रहेंगे तो आपका कोई भी समस्या का यहाँ पे समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। फॉर एनी प्रॉब्लम प्लीज मेल अस ऑन nationalcobracadets@gmail.com। इन द नेक्स्ट 8 पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर सब टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज एनसीसी के सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सब टॉपिक्स शायद है अगला टॉपिक्स यूनिफॉर्म्स, बैचेस एंड एनसीसी प्रमोशंस, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।